समाज में पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति हो तो वो संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने औद्योगिक रॉबर्ट ओवेन सन 1771 से 1858 ने इंडियाना अमेरिका में नया न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ सामूहिक खेती को बढ़ावा